नमस्कार, आज हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में जहाँ पर बामसेफ जो बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक मीटिंग है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं। अभी चाय का समय हुआ है। पिछले 4-5 सालों से या 5-6 सालों से कभी गाय पे चर्चा हुई, कभी चाय पे चर्चा हुई। आज हम यहाँ पर चाय पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चाय पीते पीते लोगों से NRC और CAA के बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। आइए, बामसेफ के कार्यकर्ता CAA और NRC के बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप कहाँ से? पलवल से, यानी हरियाणा? हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट पलवल है। अच्छा, CAA और NRC के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग बामसेफ के लोग तो उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध में प्रदर्शन कर भी रहे हैं और किया भी है। 8 तारीख को हम लोगों ने पलवल जिला में CAA और NRC के विरोध में SC ST OBC और माइनॉरिटीज के कमिटीज के लोगों ने DC को ज्ञापन दिया। और विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि CAA और NRC ये SC ST OBC और माइनॉरिटीज के हक और अधिकारों का हनन करने का कार्य कर रही है, क्योंकि NRC के माध्यम से जो यहाँ पर विदेशी मूल के लोग हैं वो यहाँ पर हमारे मूल निवासी लोगों को खुद कह रहे हैं कि आप प्रमाण दीजिए कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। विदेशी मूल का आदमी यहाँ के मूल निवासी आदमी से प्रमाण मांग रहा है। वो लोग जानते हैं कि ये लोग जो ये EVM मशीन में जो घोटाला करके हम लोग सरकार बनाते हैं, इन लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई है। और हम इस मुद्दे से भटकाने के लिए EVM के मुद्दे से भटकाने के लिए हम ये खेल खेल रहे हैं, ताकि भविष्य में हम जैसे अब तक इनका दमन शोषण उत्पीड़न करते रहे वो आगे भविष्य में करते रहेंगे। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोग हैं, ये पलवल जिले से थे, दिल्ली से सटा हुआ एरिया है। तेलंगाना से भी लोग हमारे इस मीटिंग में आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से सर आप? मैं तेलंगाना स्टेट महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, ये CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC की जो मुद्दा चल रहा है या जिसका विरोध हो रहा है, तो आप लोग उसके विरोध में हैं, क्या वजह है? तेलंगाना में हम जनवरी 8 को हम 10 डिस्ट्रिक्ट में रैली निकाले। गोर बंजारा लोग लीड किए थे मुस्लिम का सपोर्ट में। हम लोग NRC DNA बेस्ड NRC पूछना चाह रहे हैं। पहले हमारा SC ST का बहुत बड़ा नुकसान है। कल परसों जनवरी में हिंदू के नाम पे वो गिनती करेगा, तो हमको आरक्षण मिल रहा है SC ST के नाम पे संविधान में, SC ST BC के नाम पे संविधान में आरक्षण मिल रहा। उन ब्राह्मण ये चालाक किया, हिंदू के नाम पे सेंसस करेगा, जब हमारा SC ST BC सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा, ये हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा SC ST BC का। मुसलमान को टारगेट बनाकर वो SC ST BC का सत्यानाश करना चाह रहे, रिजर्वेशन को खत्म करना चाह रहे, संविधान को खत्म करना चाह रहे, ये बात। ओके, शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो और भी लोग हैं जो, हाँ, आप कहाँ से? मैं सर बरेली से हूँ, यूपी से, उत्तर प्रदेश, और भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो NRC ये सरकार जो लाई है, जैसे कि 16 नवंबर 1992 में मंडल कमीशन का फैसला आया, तो इन्होंने मंडल कमीशन के फैसले के विरोध में मंदिर मस्जिद को ढहाया और वो टारगेट वो किया और नुकसान OBC का किया। यह लोग इस NRC और CAA के विरोध को टारगेट करके SC और OBC के और इन लोगों को हक और अधिकार विहीन करने की इनकी साजिश है, इन विदेशी लोगों की, और ये NRC लागू करना चाहते हैं। तो हम बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग और बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग पूरे देश में 8 जनवरी को विरोध किया और 29 जनवरी को फिर से भारत बंद करेंगे। और हमारी मांग है, क्या तुम NRC लागू कर रहे हो तो DNA के आधार पर लागू करो, जो 21 मई 2001 को ये तय हो गया कि कौन इस देश का विदेश मूल निवासी है, कौन इस देश का विदेशी है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो और भी लोग हैं जो चाय पीते पीते हम लोग चर्चा करेंगे। घुमंतू जनजाति के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर है, क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर अनिल कुमार माने। चाय पे चर्चा है? चाय पे ही चर्चा हो रही है, चाय पीते पीते चर्चा हो रही है। बोलो सर, क्या NRC का विरोध क्यों कर रहे हैं आप? मैं राष्ट्रीय सह संयोजक हूँ, राष्ट्रीय घुमंतू जनजाति मोर्चा नई दिल्ली। NRC ये केवल मुसलमानों तक सीमित मामला नहीं है, ये खतरनाक मामला घुमंतू जनजाति के जो 11 करोड़ लोग हैं उनको होने वाला है। उनके पास परमानेंट कोई लैंड नहीं है,
उनके पास में 50 साल का पहला कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और एनआरसी में जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाई हुई है उसमें परमानेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, लैंड के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, होम के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लैंड ही नहीं है तो होम कहाँ से आएगा? उनके डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है। परमानेंट रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो हमारे पास में नहीं है। उन्होंने दूसरा एक मुद्दा ये किया है कि बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक अकाउंट हमारे पास में नहीं है, बीमा पॉलिसी हमारे पास में नहीं है। तो ये जो है 11 करोड़ लोगों को, जो घुमंतु विमुक्त जनजाति यहाँ के मूल निवासी लोग है, इनहेबिटेंट पीपल है, उनको नागरिक घोषित करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा हुआ है। अगर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये आरएसएस बीजेपी के लोग उनको ज़बरदस्ती से कहेंगे कि आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, आप पाकिस्तान से आए हो, आप अफगानिस्तान से आए हो, आप बांग्लादेश से आए हो, और उनको अनागरिक घोषित करेंगे। ये अनागरिक घोषित कर डर दिखाएंगे, अगर आपको भारत में रहना है तो हिंदू बनना होगा। अगर हम हिंदू होते तो इतनी व्यवस्था घटिया हमारे साथ में क्यों की? मोहन भागवत को हमारा सवाल है। तो ये मोहन भागवत के दिमाग का कीड़ा है एनआरसी का मामला, ये नरेंद्र मोदी के दिमाग का नहीं है, अमित शाह के दिमाग का नहीं है, उनको हथियार बना रहा है ये जो ब्राह्मण मोहन भागवत है, इसके लिए जिम्मेवार है। अभी बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने कहा है एनआरसी हम सहमत होते हैं, लेकिन उसका आधार डीएनए होना चाहिए, डीएनए के आधार पर एनआरसी हो, ये राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति के संगठन की भी डिमांड रहेगी। धन्यवाद जी, शुक्रिया बात करने के लिए। मैं करीबी जो हमारे स्टेट है यूपी, वहाँ मुरादाबाद से आया हूँ। मेरा सीधा सा सवाल ये है मोहन भागवत जी से कि अगर वो सीए या एनआरसी लागू कर रहे हैं तो संविधान के दायरे में क्यों नहीं कर रहे हैं? या तो दूसरा संविधान लागू कर रहे हैं, वो मनुस्मृति का संविधान इनडायरेक्टली लागू कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वो अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करना चाहते हैं, देशभक्ति साबित करना चाहते हैं, तो वो भारत के जो ब्राह्मणों का संविधान है, यूरेशियन ब्राह्मणों का संविधान है, उसमें अभी तक वो आस्था क्यों रखते हैं? मेरा उनसे ये सवाल है, ये उस बात का जवाब दें कि वो भारत के अंदर जो बाबा साहेब का संविधान है, जो इक्वेलिटी को हमारे मानता है, जो बढ़ावा देता है, वो उसको क्यों नहीं मानते? वो अभी तक भारतीय अध्यय के रंग में क्यों नहीं रंगे? वो इस बहाने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को आगे करके ये खेल क्यों खेल रहे हैं? मेरा उनसे ये सवाल है। मेरी जब बात का वो मोहन भागवत जो है जवाब दें। और अगर उन्हें ये चाहिए एनआरसी लागू करना, अगर उनमें इतनी हिम्मत है, उनके बाप दादा में इतनी हिम्मत है, उनके पूर्वजों में, तो वो एनआरसी पे लागू करें। हम तो उन्हें 7,000 साल का इतिहास दे रहे हैं ना, हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, के आधार पर एनआरसी लागू हो, ये प्रमुख मांग बहुजन क्रांति मोर्चा ने 8 जनवरी को उठाई और 29 जनवरी को इसी को लेकर जो है भारत बंद किया जाएगा। क्या नाम आपका? विजय राज शेगेकर। कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र यवतमाल से। क्यों विरोध हो रहा है? मैं एक क्लियर कर दूं कि मैं ये एक ही सवाल हर किसी से ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर किसी के पास अलग जानकारी है, अलग तर्क है, और अलग जानकारी के आधार पर वो अलग अलग तर्क के आधार पर अलग अलग जानकारी जो है लोगों को दे सकते हैं। इसलिए मैं एक ही सवाल सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए क्यों विरोध हो रहा है एनआरसी को? एनआरसी सीए जो एनआरसी और सीए को मामले को इस देश में रहने वाले एससी एसटी ओबीसी के आधार पर हमको संविधान ने हक और अधिकार दिए है, आरक्षण दिया है, एजुकेशन आरक्षण दिया है, लेकिन ये एनआरसी हमारे पास कागजात नहीं होंगे, फिर वो हम लोगों को हिंदू सर्टिफिकेट देगी, और हिंदू सर्टिफिकेट देने के बाद जब हक अधिकार मांगेंगे तो बोलेंगे आप हिंदू है, हमको तो कोई तो आपको ऐसा लगता है कि जो एनआरसी आसाम में लागू हो गई थी और वो वही अगर पूरे देश में लागू हो जाएगी तो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको जबरन हिंदू बनाया जाएगा? जबरन हिंदू जरूर, वो इसीलिए तो बोल रहे हैं वो अफगानिस्तान से। हिंदू बनना नहीं चाहते? नहीं नहीं, हम लोग हिंदू है ही नहीं ना, इस देश का एससी एसटी ओबीसी का कोई हिंदू है? हम लोग तो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी के लोग हैं, हम हिंदू नहीं है, और हमको भविष्य में हिंदू भी बनना नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में जो हमको हक अधिकार दिए है वो कैटेगरी पर दिए है, ना कि हिंदू के बराबर दिए है। हिंदू होते तो हमको तो कोई अधिकार ही नहीं मिलेगा जी।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बहुत सारे लोग जो बामसिप की मीटिंग में देश भर से आए हैं, उनसे हमने पूछा एनआरसी और सीएए का विरोध क्यों हो रहा है, सभी लोग एक ही जवाब दे रहे हैं कि इससे हमें जबरन हिंदू बनाया जाएगा, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, अगर हमें इस देश का नागरिक बने रहना है तो हमें हिंदू का सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे हमारे सारे संवैधानिक अधिकार जो है वो समाप्त होंगे। इस मीटिंग के लिए महिलाएँ भी बड़ी संख्या में आए हैं, महिलाओं के साथ भी हम लोग बात करेंगे और महिलाएँ किस प्रकार से इस मुद्दे को देख रही है, किस प्रकार से इस पर सोच रही है, भी हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए MNTV, धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।